हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। आज हम आपको इस स्टैचू की फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या है यहाँ पर देखने लायक और यहाँ की फेमस डिशेज कौन सी है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि मुंचीता श्री रामनगर विलेज में वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है। इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली 5 फरवरी को हमारे देश के पीएम ने किया है। ये हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टैचू संत रामानुजाचार्य जी को ट्रिब्यूट है, जो प्योर डिवोटीज के डोनेशन से रेडी हुआ है। इस स्टैचू की एक खास बात ये भी है, ये पंचलोहा से बना है जिसमें 5 तरह के मेटल का यूज़ किया गया है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक का यूज़ किया गया है। संत रामानुजाचार्य जी ने हमें इक्वालिटी का लेसन 11th सेंचुरी में ही पढ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने हर क्रीड, फेथ एंड कास्ट के लोगों को इक्वली बताया था। अगर हम स्टैचू की बात करें तो इसकी हाइट 216 फीट की है और इसको बनाने की कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ लगी है। इसकी नींव 2 मई सन 2014 को रखी गई थी। ये स्टैचू देखने में इतना अट्रैक्टिव है कि इसे देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट यहाँ आना ज़रूर पसंद करेंगे। इस स्टैचू के आसपास की ब्यूटी भी देखने लायक है। ये मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11:30 बजे तक और शाम 4 से 5:30 बजे तक ओपन रहेगा। संडे को ये पूरा दिन ओपन रहेगा। हैदराबाद से यहाँ आना काफ़ी ईजी है। अगर आप इस स्टैचू के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको एक बार इस जगह पर आकर इस ब्यूटीफुल स्टैचू को ज़रूर देखना चाहिए। आप यहां पर मिरुगवनी नेशनल पार्क, हिमायत सागर लेक, नानाजीपुर वाटरफॉल्स, दिव्या सकेतम, चिलगुर बालाजी टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं। क्योंकि ये स्टैचू हैदराबाद में लोकेटेड है, इसलिए हम आपको हैदराबाद की 5 फेमस डिशेज के बारे में आगे बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैदराबाद के खाने की बात शुरू होते ही मुँह से पानी आने लगता है। जो लोग फूडी होते हैं या टेस्टी खाना पसंद करते हैं, हम अपनी वीडियोस में उनकी जर्नी को इजी करने के लिए फेमस फूड्स के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद की 5 फेमस डिशेज के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 5 है खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा हैदराबाद का सबसे फेमस स्वीट है। इसे सूखे खुबानी से बनाया जाता है। इसे आइसक्रीम या फिर मलाई के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपने इसको एक बार टेस्ट कर लिया तो इसे बार बार टेस्ट करना चाहेंगे। नंबर 4 है हैदराबाद की ईरानी टी विद उस्मानिया बिस्किट्स। ये ईरानी चाय हैदराबाद में काफ़ी फेमस है। इसे मलाई के साथ बनाया जाता है। हर टूरिस्ट इस टेस्टी चाय और बिस्किट्स को टेस्ट करता है एंड इन बिस्किट्स को यहाँ से खरीद कर भी ले जाता है। जब आप इस चाय के साथ बिस्किट्स या मस्का पाव खाएंगे तो आपको और कुछ टेस्टी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 3 है हैदराबादी फिरनी। ये फिरनी इस शहर के सबसे ज़्यादा लाइक करने वाली स्ट्रीट फूड में से एक है। इसे राइस, मिल्क एंड शुगर से बनाया जाता है, जिसे मिट्टी के बर्तन में पका के उसे सर्व किया जाता है, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। नंबर 2 है हैदराबादी कीमा समोसा। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आपको ये समोसा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको इस प्लेस के सभी रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट्स में ईजीली से मिल जाएगा। ये कीमा समोसा काफ़ी टेस्टी होता है, जिसे हर जगह से टूरिस्ट आके टेस्ट ज़रूर करते हैं। नंबर 1 है हैदराबादी बिरयानी। दोस्तों, हैदराबादी बिरयानी का नाम आपने इंडिया के हर स्टेट में सुना होगा। इसकी कई वेराइटीज़ हैं, जैसे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी एक्सेट्रा। अगर आप हैदराबाद के आसपास किसी भी जगह पर हैं तो आपको इसे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हैदराबाद की 5 फेमस डिशेज, जिसे आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। थैंक यू सो मच।